मुक्ति आंदोलनकारी के ऊपर, प्रदर्शनकारी के ऊपर जब लाठी चलाना शुरू कर दे, डंडा बरसाना शुरू कर दे, तो समझिए उसकी विदाई का समय हो गया है। शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करना उनकी मजबूरी है, सरकार से लाठी चलवाती है, पिटवाती है, सीधे तौर पे मुख फेर लिया है इन लोगों ने। और यही कारण है कि आंदोलन करने वाले लोगों की आवाज़ बंद करना चाहते हैं। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। आज बीजेपी नेताओं के ऊपर जिस तरीके से पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज हुई है, उसको लेकर आरएलजेडी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि देखिए अब सरकार जो है वो जाने वाली है, इसलिए बौखला गए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, सबसे पहले आप वो सुनिए। आंदोलनकारी के ऊपर, प्रदर्शनकारी के ऊपर जब लाठी चलाना शुरू कर दे, डंडा बरसाना शुरू कर दे, समझिए उसकी विदाई का समय हो गया है। सरकार है उसके पास कोई काम नहीं बचा है, लोगों की समस्याओं का समाधान कर नहीं सकती सरकार। शिक्षक हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनकी समस्याओं पर सरकार ध्यान दे नहीं सकती है, क्योंकि कोई विजन ही नहीं है सरकार का। रोज शिक्षक के अवमान में परिवर्तन करती है, जिसके चलते शिक्षक परेशान है, छात्रों की पढ़ाई लिखाई पूरे तौर पर चौपट है। और जब शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करना उनकी मजबूरी है, सरकार से लाठी चलवाती है, पिटवाती है, उनको और उनके समर्थन में कोई सड़क पर उतरे उनको कुल मिला जुला करके इस सरकार को अब जाना तय है। इन्होंने खुद ही तय कर लिया है कि अब रहना नहीं है, तो जितनी शिकायत मैं उनको करा दूँ, यही इनका मतलब। आज बीजेपी पर भी लाठीचार्ज किया गया है, इनके ऊपर जो लोग भी सड़क पर उतरेंगे सबका यही आचरण सरकार करेगी, क्योंकि जनता के सवालों को लेकर लोग सड़क पर उतरते हैं। आज भी जनता के सवालों को लेकर सड़क पर लोग उतरे थे, जनता के सवाल या जो भी जिस वर्ग के सवाल को लेकर उतरे थे लोग, उनकी समस्याओं का समाधान करना सरकार की जवाबदेही है। तो सरकार अपनी जवाबदेही से सीधे तौर पे मुख फेर लिया है इन लोगों ने, और यही कारण है कि आंदोलन करने वाले लोगों की आवाज़ बंद करना चाहते हैं। लोकतंत्र में किसी की आवाज़ को बंद नहीं किया जा सकता, या सरकार अब सीधे लोकतंत्र पर हमला करने वाली सरकार है। आम जनता के सवालों को उठाने पर, उनके हक हकूक को मांगने पर उनको कुचलने वाली सरकार है, इसलिए सरकार का जाना तय। तो आपने सुना कि पूर्णिया पहुंचे थे उपेंद्र कुशवाहा, जब उनसे सवाल किया गया किस तरीके से लाठी चार्ज हो रही है, तो क्या कुछ कहेंगे। उन्होंने कहा कि देखिए अब ये सरकार जो है वो बस अब जाने ही वाली है, इसलिए बौखलाहट में ये सब कर रहे हैं और तय कर लिए हैं कि जाने से पहले किसको मार दे, किसको पीट दे, जितना हो सके उतना लाठी चार्ज करके यहां से चले जाए। यानी कि साफ तौर से उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं कि बिहार में जो महागठबंधन की सरकार है, नीतीश की सरकार है, वो अब बस नहीं वाली है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पेज को लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।